तमाम YouTube दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खुश और खुर्रम सेहत वाली जिंदगी गुजार रहे होंगे। सब्जियां देख के आप लोगों को समझ तो आ गई होगी कि आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज राइस। चाइनीज राइस जो है हर कोई बनाता है, हर किसी को पसंद है, बच्चों को तो स्पेशली पसंद होते हैं, तो तरीका हर किसी का अपना अपना है। चलिए आज आप मेरे तरीके से देख लें कि आज मैं कैसे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मटर हम लोगों ने छीन लिए हैं, आपने वीडियो में देखा होगा कि मटर भी कैसे छीले हैं, तो बच्चों को भी साथ आज मैंने लगाया और बच्चों के बाबा को भी कि चलें जी आज मिलके मेरे साथ हेल्प करवाएं, क्योंकि चाइनीज़ राइस में सबसे बड़ा मसला होता है सब्जियों को कट करना। सब्जियां कट करने के बाद बारी आ गई है जी बॉइलिंग की। बॉइल मैंने हर चीज़ की है तकरीबन, मटर भी मैंने बॉइल किए हैं, गाजरें भी मैंने थोड़ी सी बॉइल की हैं, चिकन भी बॉइल किया है, राइस भी बॉइल कर लिए हैं, और मैंने वैसे इसमें आलू भी डालने हैं, तो आलू भी मैंने चिप्स के उसमें काट के ना शेप में वो भी मैंने बॉईल कर लिए। अब जी स्टार्ट करते हैं, पतीली में ऑयल डाल दिया है, अब हम इसमें बारी बारी अंडे डालेंगे, क्योंकि सब चीज़ें तो हमारी रेडी हैं, बस अंडे हम फ्राई करेंगे और सब चीज़ें डालते रहेंगे और मिक्सअप करते रहेंगे। तो अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। सब चीज़ें जी रेडी हैं, बस अब इनको डालते जाएंगे और मिक्सअप करते जाएंगे और ये फटाफट से रेडी हो जाएंगे। जब चीज़ें सारी रेडी हों फिर चाइनीज़ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, उससे पहले इसकी तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब मैं इसमें जो है नमक और काली मिर्च डालती जाऊँगी। अच्छा मैं ना अलग अलग हर चीज़ में डालती हूँ, मतलब जैसे जैसे मैं चीज़ें ऐड करूँगी सब्ज़ियाँ। अब पहले मैंने चिकन और एग डाले तो उसमें उसके हिसाब से नमक और काली मिर्च डाल ली, अब मैं थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ डालती जाऊँगी तो उनके हिसाब से मैं थोड़ी थोड़ी और भी नमक और काली मिर्च ऐड करती जाऊँगी। ये जी मैंने मटर पहले डाल दिए थे, अब मैं इसमें बॉयल आलू डाल रही हूँ, अब हम उस हिसाब से फिर से नमक और काली मिर्च भी डाल देंगे। तो मैं ऐसे ही बस सब चीज़ों में अलग अलग सेपरेट नमक और काली मिर्च डालती हूँ ताकि हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा टेस्ट आ जाए। चलें जी अब हम ये हल्की सी बॉयल गाजर डाल देते हैं। अच्छा मैंने गाजरों को ज़्यादा बॉयल नहीं किया, लाइट सा किया ताकि ये इनके अंदर जो सख्ती रह जाती है वो थोड़ा सा नरमी में बदल जाए, क्योंकि मेरे बच्चे ना पसंद नहीं करते। वैसे हर किसी की अपनी होती है, चॉइस होती है, कुछ लोग नहीं भी बॉयल करते, तो जैसे हम होटलों में लेते हैं वहाँ पर तो जी बॉयल नहीं होते, लेकिन बच्चे हैं ना फिर हर चीज़ चुन चुन के अलहदा कर देते हैं, तो इस तरह सब चीज़ें खा जाते हैं बच्चे। तो अब मैंने शिमला मिर्च भी डाल दी, गाजर भी डाल दी, अब उस हिसाब से मैंने फिर से नमक और काली मिर्च भी ऐड कर दी। अब हम इसमें बंद गोभी डालेंगे। जी हाँ मेरा तो दिल कर रहा था मैं तकरीबन सारी सब्जियां ही डाल दूं, पर क्या करें चाइनीज में बस इतनी ही डलती हैं। चलें जी अब हम डाल लेते हैं इसमें सॉसेस। तो यहाँ पर मैंने सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस लिया है। वैसे अक्सर लोग सोया सॉस और चिली सॉस नहीं डालते, आपकी अपनी मर्जी है, डालना है डाल दें, स्किप करना है स्किप कर दें। मैंने थोड़ा सा स्पाइसी करने थे तो इसी वजह से मैंने सोया सॉस और चिली सॉस भी डाला। सिरका भी वैसे कम ही रखती हूँ मैं, लेकिन जब कभी स्पाइसी खाने का दिल हो तो फिर ये सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कर देती हूँ मैं। तो अब मैं ये डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब हम इसमें डालेंगे बॉयल्ड राइस। बॉयल्ड राइस जो है मैं एक ही दम सारे नहीं डालती, मैं थोड़े थोड़े करके डालती हूँ, फिर इनको मिक्स कर लेती हूँ, फिर थोड़े से और डालती हूँ, फिर उनको मिक्स कर लेती हूँ। तो इस तरह बारी बारी मैं सारे डाल के मिक्स करती जाती हूँ और इस तरीके से ना सब्जियाँ और जो राइस हैं वो आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अच्छा जी राइस डालने के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्चें भी थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने पहले सब्जियों में तो डाली थी लेकिन राइस के हिसाब से थोड़ी सी हमें और डालनी होती है। तो राइस के साथ साथ मैं ये भी डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके सिरका और चिली सॉस भी डाल रही हूँ राइस के हिसाब से, क्योंकि पहले हमने सिर्फ सब्जियों में डाला था, अब राइस डालने के बाद मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी ताकि उसका टेस्ट राइस में भी आ जाए। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टाड़ा ये देखें ये रेडी हो गए हैं हमारे राइस। तो यहाँ पर जी हमारे राइस रेडी हो गए हैं, मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है अपने लिए, क्योंकि जब राइस बन जाते हैं ना तो गर्मा गर्म खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है, तो इसीलिए मैं तो जी थोड़े से किचन में ही ठहर के एक प्लेट बना के खा लेती हूँ, तो बाकी सब जब खाएंगे खाएंगे, हमने तो गर्मा गर्म खा लिए। तो ये देखें जी इनका कितना प्यारा कलर और ख़ूबसूरत जो है ये लग रहे हैं, और सब्जियां भी अच्छे से मिक्स हुई हुई हैं। और अगर आपने
कुछ भी नहीं साथ बनाना राइस के, यानी कि जैसे फ्राइड राइस होते हैं थोड़े फीके होते हैं तो साथ हम लोग मंचूरियन वगैरह ले लेते हैं, अगर हमने सिंपल खाने हैं तो थोड़े से स्पाइसी कर लिया करें ताकि टेस्ट और भी अच्छा लगे और राइस अच्छे लगे। चलें जी, इसके बाद अब हम अपनी रूटीन की तरफ आते हैं। रूटीन में जो है, मैंने अपने घर को सेट किया, बिस्तरे वगैरह सारे झाड़ झूड़ के सेट किए, और उसके बाद जो है हम लोग चले गए थे बाहर, क्योंकि मेरे घर में सर्दियां हैं, धूप नहीं आती, तो अक्सर हम धूप लगवाने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो बिलाल साहब भी जा रहे हैं, आप भी चलें हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़ बिलाल, अल्लाह हाफिज़ कर दो, इधर देख के अल्लाह हाफिज़ कर दो। तो जनाब, हम लोग आ गए हैं बाहर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे घर में बिल्कुल भी धूप नहीं आती, लेकिन बाहर कितनी अच्छी धूप है। तो यहाँ पर जी, जिनके घरों में धूप नहीं आती तो हम लोग धूप का मज़ा लेने के लिए कभी कभार बाहर आ जाते हैं, तो बाहर बहुत मज़े की धूप होती है, और वो कहते हैं ना सन बाथ, तो हम लोग भी जी सन बाथ करने के लिए बाहर ही आ जाते हैं और फुल इंजॉय करते हैं धूप को। तो यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, और अरमीश अशर और बिलाल उन बच्चों को खेलता हुआ देख के खूब इंजॉय कर रहे थे। इन्होंने सोचा कि पहले हम बैठ के धूप को अच्छी तरीके से इंजॉय कर लें, उसके बाद हम जाएंगे खेलने के लिए। तो मैं भी यहाँ पर धूप को थोड़ा सा इंजॉय कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टहल लिया जाए, धूप को इंजॉय किया जाए, क्योंकि मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ, अक्सर मैं घर पे ही रहती हूँ, टाइम नहीं होता, लाइफ इतनी इंसान की बिजी हो गई है कि हमें घर से बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिलता, तो इसी वजह से बस मैं कभी कभार बाहर निकलती हूँ। तो आज मैं ज़रा बाहर निकली और बच्चों के साथ जो है यहाँ पर इंजॉय कर रही थी, और बच्चे भी यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमाए और तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।